नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूईटी 2023 में क्या पेपर पैटर्न होगा और उसमें डोमेन आपको कैसे चूज करना है। बच्चों को जब हमारे वीडियोज मिलने लगे तो सबसे ज्यादा जो इंक्वायरीज है वो इस पे है कि सर सीयूईटी 2023 का कंप्लीट इंफॉर्मेटिव एक सीरीज ले आओ, जिसमें हम लोग लैंग्वेज पे बात करेंगे, डोमेन पे बात करेंगे, क्वेश्चन पेपर मोड पे बात करेंगे, पेपर पैटर्न पे बात करेंगे, साथ ही साथ जनरल टेस्ट यानी जीटी की बात करेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो 2022 के बच्चों ने एक्सपीरियंस करा, वो पूरा एक्सपीरियंस जो है 2023 के बच्चों के साथ शेयर किया जाएगा, जिससे कि वो सीयूटी यूजी या पीजी का फॉर्म भरने से पहले उन तमाम गलतियों को जान सके जो 2022 वाले बच्चों ने किया और आपको नहीं करना है। सो प्लीज वीडियो को जरूर देखें, इस पूरे सीरीज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनका भी भला हो सके और वो भी सीयूईटी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सके। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डोमेन क्या है और डोमेन कितना जरूरी है, कैसे चूज करना है, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या डोमेन क्या हो सकता है, साथ ही साथ किस कोर्स के लिए क्या डोमेन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताता हूं कि सीयूईटी का पैटर्न क्या है। इस पैटर्न का वीडियो ऑलरेडी मैंने दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे सीधे सेक्शन सेकंड यानी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सेक्शन ए जो है वो हमारे कमिंग वीडियो में बात होगी, यानी जो लैंग्वेज का पार्ट ए एंड पार्ट टू है वो 13 एंड 17 या 20 या 22 जो भी लैंग्वेजेस हैं वो किन बेसिस पे आपको चूज करना है और ये पेपर मोड के लिए होता है या आपके ऑनर्स के लिए होता है, ये तमाम बातें जो हैं वो हम लोग लैंग्वेज का जब वीडियो ले आएंगे तो उसमें समझेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सीधे डोमेन की बात करते हैं। ये है आपका, देखो डोमेन सामने दिख रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन टू। एक्चुअली सीयूईटी का एक चीज मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट ओवरव्यू दे दूं जो बच्चे नए होने पता चल जाए। देखो सीयूईटी जो है, ठीक है, वो यहां पे 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? 3 सेक्शन में, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है, जिसमें हम लोग देखें तो यहां पर यह आपका है लैंग्वेज, ठीक है, ये है आपका लैंग्वेज और यही है आपका डोमेन जिसकी बात आज हम लोग अपने वीडियो में करेंगे। यही है आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, कितने हैं ये सब बातें होंगी और हमारा लास्ट जो है वो है आपका जीटी यानी जनरल टेस्ट जो भी है। तो ये आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है बस डोमेन। तो आइए देखते हैं कि डोमेन में क्या बोल रहा है। पहले इनका ऑफिशियल नोटिस हम लोग देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है देयर आर 27 सब्जेक्ट्स, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीइंग ऑफर्ड अंडर द सेक्शन ए, कैंडिडेट मे चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज एंड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब यह है कि 27 यहां पे लिस्ट है सब्जेक्ट्स की, जिसमें से कि एक कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम 6 डोमेन को ऑफर कर सकता है अपने यूनिवर्सिटी के कोर्स के अकॉर्डिंग। इसकी जो फ्रेमिंग है, क्योंकि अब जैसे मैं किसी से पूछूं कि टोटल कोर्स कितने आप लोग ले सकते हो यूनिवर्सिटीज में, कोर्स तो बहुत सारे ले सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूं कि सीयूईटी यूजी में जो टोटल सेक्शन है 3 सेक्शन, उनमें आप कितने सब्जेक्ट्स दे सकते हो, कोई मुझे कमेंट करके बताए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए लैंग्वेज का लाऊंगा तो बताऊंगा कि इसकी पूरी फ्रेमिंग कैसे होगी। ठीक है, आप कमेंट करो कि टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेपर है वो आप कितना दे सकते हो सीयूईटी के यूजी पेपर में, बताइए मुझे कॉमेंट करके। तो आइए हम लोग लिस्ट देखते हैं, टोटल सब्जेक्ट्स की लिस्ट देखते हैं। देखो ये है डोमेन 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जो कि आपके 12th में हो या ना हो फिर भी आपको देखना है। बच्चों का ये जो डाउट है कि क्या 12वीं का ही डोमेन उनको एज सीयूईटी एग्जाम में लेना है, इसका भी डाउट मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, एक्चुअली वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के बुलेटिन पे। यूनिवर्सिटी का जो एक बाद में एक प्रोस्पेक्टस आता है उसमें रिटेन होता है कि अगर आप बीए में जा रहे हो तो आपके लिए ये ऑनर्स लेना है तो ये पर्टिकुलर डोमेन होना चाहिए। लेकिन बीएचयू एग्जाम्पल में लिया जाए तो यहाँ पे कोई डोमेन का रोल नहीं है। आप बीए करना चाहते हो
तो आप एक लैंग्वेज और जीटी के बेसिस पे अपना सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन हम इलाहाबाद जाएं तो वहां पे एटलीस्ट 2 डोमेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एज ए ऑनर्स या वहां पे पढ़ाई करने के लिए। वैसे वहां ऑनर्स नहीं है बट वहां पे एज ए सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके पास डोमेन होना जरूरी हो जाता है। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे डोमेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज भी हैं जिसका कोई भी 12वीं से लेना देना नहीं है और कोई भी डोमेन से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग 27 डोमेन पहले देख लें कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो, पहला है यहां पे अकाउंटेंसी बुककीपिंग, ठीक है। दूसरा है एग्रीकल्चर, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे है बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये टोटल यहाँ पे आपको दिख गए 301 से 309 तक। हम लोग आगे चलते हैं, ओके। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया मुझे लग रहा है, एक मिनट, कुछ ऊपर था एक दो। अच्छा नहीं, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स जो है ये किन के लिए है, कहीं कहीं पे ये बीए में भी है, कहीं कहीं पे परफॉर्मिंग आर्ट में है। तो आपको अगर परफॉर्मिंग आर्ट में जाना है तो फाइन आर्ट्स लेना कंपलसरी हो जाता है। ज्योग्राफी देखें या जूलॉजी देखें, हिस्ट्री देखें, होम साइंस देखें, ये देखो यहाँ पे अवेलेबल है। फिर है नॉलेज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, इंडिया, लीगल स्टडीज। जैसे कि बीए का जो बच्चा होगा, अगर वो जो बीए एलएलबी का बच्चा होगा, उनके लिए ये जो लीगल स्टडीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ डोमेन आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, यदि आपको यूजी लेवल पे जर्नलिज्म करना है, मास कम्युनिकेशन में जाना है और उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स है, तो उस कोर्स का वो डोमेन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मैथमेटिक्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखो यहाँ पे इतने सारे दे रखे हुए हैं, जिसको भी इंस्ट्रूमेंट बजाने में या सिंगिंग डांसिंग में हो तो वो ये वाला अपना डोमेन देख सकता है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, नेशनल कैडेट क्रॉप, एनसीसी, योगा, देखिए यहाँ पे यहाँ ये सभी चीजें दी गई हैं। अब क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी को ऑप्शन दिया गया है ना कि आप सीयूटी में आके खुद को ऐड कर सकते हो, अब जब यूनिवर्सिटी आके ऐड होंगी तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना पड़ेगा। उस फुलफिल इंफॉर्मेटिव की वजह से यहाँ पे इन्होंने फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा जैसे भी सब्जेक्ट्स को एज ए डोमेन रखा हुआ है। फिजिक्स देख लो, पॉलिटिकल साइंस देख लो, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, और लास्ट में आपका जनरल टेस्ट है, जो कि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो में बात करूंगा। एक बार मैं आपको फिर से प्रोफार्मा दिखा देता हूं, ये इनका पूरा क्या है, फॉर्मेट है, सीयूईटी का फॉर्मेट है, जिसमें सेक्शन ए, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी है, जिसमें हम लोग 13 लैंग्वेजेस एंड 20 लैंग्वेजेस देखते हैं, ठीक है। ये है आपका मीडियम, ऊपर का जो 13 होता है वो क्या होता है, मीडियम होता है, 20 क्या होता है, एज ए ऑनर्स के लिए है। समझ में आया, मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन जो 27 डोमेन अभी बात करा मैंने, उसके बाद यहाँ पे लास्ट है आपका जनरल टेस्ट, ओके। और जो मैं आपको क्वेश्चन पूछा था कि एक कैंडिडेट कितना पेपर दे सकता है, तो आप यहाँ पे देख लो टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल 9 टेस्ट दे सकता है, 9 टेस्ट एक कैंडिडेट दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है, ओके। तो ओवरऑल और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे कमिंग वीडियोज में, होपफुल्ली आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। बीएचयू पाठशाला का कोर्स रन कर रहा है, अगर किसी को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वो वहां से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। मुस्कुराते रहें, खुश रहें, बीएचयू पाठशाला देखते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं।